हाय व्यूअर्स, मैं हूं वीरेन गोरी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर में सीएमडी के द्वारा अपने कंप्यूटर को या अपने पीसी को कैसे शट डाउन करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, मैं यहां पे सबसे पहले रन मेनू में से सीएमडी ऑन कर लेता हूं। यहां पे ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहां पे पहले सीएमडी ऑन किया था, इसलिए यहां पे डायरेक्टली लिखा आ रहा है। ठीक है, तो मैं सीधा एंटर कर देता हूँ। तो ये सीएमडी ऑन हो चुका है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे हमको एक कमांड लिखना है शट डाउन का, वो मैं यहाँ पे यहाँ से लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शट डाउन, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश एस और फॉरवर्ड स्लैश टी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पूरा कमांड है शट डाउन का। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी मिनट में या जितने भी घंटों में आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन करना है, तो उतने सेकंड व्यूअर्स यहाँ पे लग दीजिए। मान लीजिए कि मेरा जो कंप्यूटर है वो मेरे को एक घंटे में शट डाउन करना है, यानी कि एक घंटे के बाद मेरा कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाना चाहिए। तो मैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ये देखिए, उस यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रही है कि शट डाउन विल स्टार्ट ऑन ट्यूजडे October 25, 2060। और अभी जो मेरे कंप्यूटर में 4:15 हुए, और इस समय भी मेरा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, अभी शट डाउन हो जाएगा। 5:14 पर मेरा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिट एक घंटा लगेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स अभी तो मैंने यहाँ पे शेड्यूल सेट कर दिया है, लेकिन मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूँ। तो हम उसको फिर से कैंसिल कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे कमांड लिखता हूँ कि शट डाउन, उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश कीजिए, उसके बाद ए कर दीजिए व्यूअर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन आ रही है कि लॉग ऑफ इज कैंसिल, यानी कि हमने जो भी शेड्यूल सेट किया हुआ था वो फिर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन और अब हमारा कंप्यूटर जो है, मेरा कंप्यूटर जो है वो अभी शट डाउन नहीं होगा व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, तो आप अपने हिसाब से कोई भी आपका मतलब मेरा कंप्यूटर जो है वो अपने हिसाब से सीएमडी के थ्रू शट डाउन अपने मिनट्स जो घंटों में कर सकते हैं, मिनट्स में कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा कंप्यूटर जो है मुझे 3 मिनट में शट डाउन करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ शट डाउन एल एस फॉरवर्ड स्लैश टी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 मिनट के हिसाब से व्यू सेकंड होगी 180, तो मैं यहाँ पे 180 लिख देता हूँ, उसके बाद एंटर कर दिया। तो ये देखिए बस, ये यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया कि विंडोज विल शट डाउन इन 3 मिनट्स, यानी कि मेरा जो कंप्यूटर है वो 3 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, व्यूअर्स शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स है व्यूअर्स, ये आपको वो तभी भी काम आ सकती है कि आपका कोई वर्क हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर 30 मिनट के बाद शट डाउन हो जाए, 20 मिनट के बाद शट डाउन हो जाए। ठीक है, तो वो ये ट्रिक्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे फिर से कैंसिल कर देता हूँ व्यूअर्स शट डाउन, और यहाँ पे एक दिया और यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे लॉग ऑफ जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि अब कोई शेड्यूल जो है वो शट नहीं है। तो थैंक यू व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।